है, उसके पास परिमाण के साथ साथ उसके अंदर खुद डायरेक्शन की सेंस होती है। आप उस फिजिकल क्वांटिटीज को अलग से डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, उसके अंदर खुद डायरेक्शन की सेंस होती है, उसमें परिमाण होता है। तो दोस्तों ऐसे हम क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको आप केवल वेक्टर भी बोल सकते हैं। आइए इस बात को लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी, आराम से समझना, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर्स। वही लिखे हैं जो अभी हमने आपको बताया, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आप यहां पे एग्जाम्पल लेंगे तो भाई यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका परिमाण होता है, और इस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन का भी सेंस होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर होता है, और भी होगा यहां पे वेलोसिटी भी हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, और मैं बात करूं तो दोस्तों फोर्स भी हो जाएगा, नहीं टॉर्क भी होता है। तो ये सारा क्या होता है जी, वेक्टर होता है। अब मैं बात करूंगा स्केलर की, तो यार स्केलर समझना और आसान है। स्केलर के पास मतलब स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसके पास केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो लिख सकते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एनी मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज एच, हम लिख सकते हैं नो डायरेक्शन इज नॉन एच स्केलर। तो दोस्तों यहां पे देखिए लिखे हैं एनी फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज नॉन एच स्केलर, मतलब स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसके पास केवल, यहां पे देखिएगा केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन मतलब उस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर मतलब डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं जी, स्केलर या स्केलर्स बोल सकते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। आई होप डेट यहां तक बातें आप समझ गए होंगे। अब दिमाग में एक बात आपको चलता होगा जो बहुत लोग पूछते हैं कि यार इलेक्ट्रिक करेंट, यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रिक करेंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यार, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो ये तो वेक्टर होनी चाहिए, लेकिन वेक्टर होता नहीं है, स्केलर होता है। कैसे सोचना पड़ेगा ना, कहिए सर इतना क्या सोचना, हम डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं समझो। मान लो इधर एक वायर है और यहां से एक वायर है, इधर से 3 एम्पीयर की करंट आ रही है और इधर से 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, तो अगर मैं पूछूं कि बात इधर से कितना एम्पियर की करंट जाएगी, 7 एम्पियर की कि 5 एम्पियर की, आप कहेंगे सर 7 एम्पियर की करंट जाएगी। और यहां पे देखिएगा सदिश योग का बीजगणितीय हम रूल से निकालेंगे तो यहां पे 90 डिग्री होगा, और यहां से 5 एम्पियर की करंट जानी चाहिए सदिश योग का त्रिभुजीय नियम से, लेकिन यहां पे 5 एम्पियर की करंट पास नहीं करेगा, यहां से 7 एम्पियर की करंट पास करेगा, और जिस को हम सदिश युग्मफल से जोड़ सकते हैं वो आपका क्या होता है जी, स्केलर होता है। यानी स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसका हम साधारणतः बीजगणितीय
युगफल के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे 7 एम्पियर होगा, यहां पे सदिश योग नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए ये आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होगा। या कभी कभी अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दिखाई दे तो आप टेंसर को मार दीजिएगा, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें कुछ अदिश का भी गुण रहता है और कुछ सदिश का भी गुण रहता है। आई होप डेट मेरे दोस्त यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन तो कहानी यहां से शुरू होने वाली है, जहां पर आपको पढ़नी है, लिखनी है, समझनी है, क्योंकि सारा बवाल वेक्टर में यहीं से शुरू होता है। एक काम करते हैं, एक मान लेते कि 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। अब आराम से देखना, इसको हम यहां पर जो 4 न्यूटन का बल लगा है इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। यार ये जो आप वेक्टर देख रहे हो, यहां पे एक ए इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर शुरू होता है। आप कहां से शुरू होते हैं सर? हम तो जहां से शुरू होते हो भगवान ही जानता है। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बात है। और यहां पे देखिए यार, इस पॉइंट को हम अगर ए बोल दूं और इस पॉइंट को बी बोल दूं तो हम इसको ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। कमाल की बात समझो। और एक दर्दनाक बात और आपको समझनी है, कहीं सर दर्दनाक बात? यार दर्दनाक बात यह है कि ये जो वेक्टर होता है ना, एक लाइन पे टिका हुआ रहता है, एक लाइन पे टिका हुआ होता है, एक लाइन पे होता है, और उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं जी? लाइन ऑफ सपोर्ट। और कमाल की बातें देखो कि यार इस लाइन पे हम और भी वेक्टर ले सकते हैं। चलिए यहां पे अगर हम सी, इस पॉइंट को सी ले ले और इस पॉइंट को डी ले ले तो यहां पे मिलेगा सी डी वेक्टर। तो यार देखिए बहुत सारे वेक्टर हो जाएंगे, आपको बहुत सारे वेक्टर मिल जाएंगे जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही होगा। जैसे ए बी वेक्टर और यहां पे सी डी वेक्टर, देखिए दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही रेखा है। तो यार और भी हमें आगे वेक्टर मिल सकता है जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मतलब बहुत ऐसे सारे वेक्टर हमें मिल जाएंगे जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही होता है। तो आई होप डेट दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और चलिए यहां पे देखिए, हमने ए वेक्टर ले लिए, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। अब यहां पे देखिए ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया, तो आप इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हो। अब यहां पे देखिएगा कि जो ए बी वेक्टर है, यार ए बी वेक्टर का दो दिल होता है। कहेंगे सर दो, एक इसका टूट जाएगा तो एक उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, वेक्टर में नहीं चलता है। यानी जो वेक्टर होता है उसमें परिमाण और दिशा होता है। तो ए बी वेक्टर का जो परिमाण होगा ना, उसको हम ए बी वेक्टर के परिमाण को ऐसे ए बी वेक्टर देकर दो वर्टिकल लाइन गिरा देंगे तो दोस्तों ए बी वेक्टर का ये परिमाण हो गया जो ए लेंथ होता है। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ए बी वेक्टर का कैप लगा देंगे। तो यार यहां पे देखिए ए डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर हो गया, मतलब ये जो ए बी वेक्टर है तो दोस्तों ये जो ए बी कैप है डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का ये डायरेक्शन है। तो कहेंगे सर इस वेक्टर का तब ये परिमाण होगा? बिल्कुल, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। मतलब दोस्तों ये ए बी वेक्टर का परिमाण हो गया। और जब हमें ए बी वेक्टर की दिशा निकालनी हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं काजी, ए बी वेक्टर बटा जो गुना में रहता है भाग में, ए बी वेक्टर का परिमाण अब बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी कैप हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों ए बी कैप बराबर क्या हो गया, ए बी वेक्टर अबटा ए बी वेक्टर का परिमाण। आई होप डेट दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से
क्लियर हो गया होगा और ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बता रहे हैं। चलिए अब यहां से हम लोग थोड़ा एकदम डीपली में पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नहीं सर, हमें भी वही अच्छा लगता है जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो यार, जहां से मैथ की प्रॉब्लम मिले। बच्चे तो इसी में मजा लेते हैं ना कि यार यार थ्योरी पढ़ो और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो जानी चाहिए। तो यार मेरा भी इच्छा यही है कि आपको ऐसा थ्योरी बताऊं कि आप सारे मैथ के जितने भी टॉप टॉप क्वेश्चन है ना उसका थुथुर आप पूछ सके। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे को इनिशियल। यहां पे देखिएगा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? यहां पे देखिए मैं इसका लुक दिखा रहा हूं को इनिशियल वेक्टर की। यहां पे एक वेक्टर हो गया और यहां पे एक वेक्टर हो गया। नहीं, एक मिनट, ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए आराम से, यहां पे देखिए ए ए, अगर यहां पे ए बी लिख दूं, ए बी वेक्टर लिख दूं तो ए पॉइंट ए हो जाएगा और ए पॉइंट क्या हो जाएगा? बी। और यहां पे हम ए सी वेक्टर लिख दूं तो ए वाला पॉइंट क्या होगा? सी। और यहां पे ए डी वेक्टर ले लूं तो ए हो गया, ए क्या हो गया? डी। ए क्या हो गया जी? डी। यहां पे आप तीन वेक्टर देख रहे हो, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर। यार तीनों का देखिएगा जो इनिशियल पॉइंट है ना वो एक ही है। तो जब दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो तो जो वेक्टर दिया है बोलेंगे कि सारे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है। मतलब को इनिशियल वेक्टर यानी जो होता है, यहां पे समझिएगा कि सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, यानी हेयर, यहां पे आप देखिएगा ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। कहीं सर यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पे एक और इसमें आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। को इनिशियल तो समझ गए, अब को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होता है? यार को टर्मिनल वेक्टर्स का सेंस इसके अपोजिट होगा। यहां से देखिए एक पॉइंट से सारा वेक्टर निकला है और इसमें एक पॉइंट पर सारा वेक्टर आकर मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए ए आपका, यहां पे देखिए एक ए वेक्टर हो गया, एक ए वेक्टर हो गया, एक ए वेक्टर हो गया, इसका आप नाम भी दे सकते हो। तो यार ए तीनों वेक्टर को टर्मिनल वेक्टर है, जो यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मेरे दोस्त यहां से इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब चलो इसके आगे हम लोग जानेंगे, बड़ी खतरनाक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। फ्री वेक्टर किसको बोलते हैं ये समझना जरूरी है, और उसके आगे इससे भी खतरनाक खतरनाक टॉपिक लेकर आएंगे, आप देखते रहो। तो यहां पर हम लोग जानने वाले हैं फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। देखिए फ्री वेक्टर किसको बोलते हैं समझना तो चाहिए। तो यहां पे देखिए फ्री वेक्टर जो होता है भाई, अगर हमारे पास यहां पे देखिएगा, अगर हमारे पास यहां पे ए वेक्टर है तो यार इसके पैरेलल अगर इस वेक्टर को हम स्पेस में अगर कहीं पर भी रख दे तब इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं जी? फ्री वेक्टर बोलते हैं। एंगल नहीं चेंज होनी चाहिए और इस वेक्टर को स्पेस में इसके पैरेलल कहीं पर भी हम शिफ्ट कर दे तो दोस्तों इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं। जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? और एक बहुत सवाल यहां पे बच्चे पूछते हैं, उस चीज को भी यहां पे समझनी चाहिए कि यार जो पोजिशन वेक्टर होता है
क्या पोजिशन वेक्टर फ्री वेक्टर होता है? नहीं, पोजिशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता है। जो पोजिशन वेक्टर होता है वो किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं पोजिशन वेक्टर को कि पोजिशन वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, वो फ्री वेक्टर नहीं होता है। तो आई होप डेट मेरे दोस्त यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और चलिए यहां से इसको हटाते हैं, आगे समझिए। अब देखो यार, आगे मैं बताऊं, जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर क्या होता है? कहीं सर सोचना पड़ेगा। अरे यार सोचो मत, जीरो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखिए जीरो वेक्टर के जो परिमाण होता है वो जीरो होता है और इसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। जैसे यहां पे ए ए वेक्टर हो जाएगा, बी बी वेक्टर हो जाएगा, सी सी वेक्टर हो जाएगा, ए टी सी, ए सब क्या है जी? जीरो वेक्टर है। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही बिंदु पे होगा। तो फिर डायरेक्शन आपको मिला, आपको मैग्नीट्यूड मिला क्या? तो ए हो गया जीरो वेक्टर। याद रखिएगा जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन नॉट डिफाइन होता है। आगे यहां पे अगर यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यार लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, मतलब यूनिट वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन यूनिट होता है। यहां पर वन यूनिट लिख सकते हैं। अब इस बात को समझिए, अगर हमारे पास यहां पे कोई वेक्टर ए वेक्टर है, मान लेते ए पांच यूनिट लेंथ का कोई वेक्टर है, तो भाई एक यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा उसको ही हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यहां पे इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? ए कैप का परिमाण कितना होगा जी? एक हो जाएगा। तो ए आपका यूनिट, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे, चूंकि इसका परिमाण कितना है? एक है। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर बटा इसके परिमाण से भाग दे देंगे, ए कैप मिल जाएगा। तो दोस्तों ए रहा यूनिट वेक्टर। आइए अब खास टॉपिक लेकर आए हैं, खास टॉपिक। यार अगर ए समझ में आपको आ गया बवाल कर डालोगे। देखिए अब आपको बताने वाले कोलिनियर वेक्टर, और एक और इसमें टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट। चलिए यहां पे दो चीज हम दो तरीके से लिखते हैं, इधर लिखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स और इधर लिखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यार दोनों में बड़ी लोगों की दुविधा होती है कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो देखिए दो बिंदु हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि देखिए एक ही लाइन पे एसओ हो जाते हैं, एक ही लाइन पे मिलते हैं, एक ही लाइन पे देखो दोनों बिंदु आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए तीन बिंदु रहे तो कोलिनियर पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर तीन पॉइंट ऐसा रख दे और तीन पॉइंट ऐसा रख दे, तो देखिए ए रेखा तीनों पॉइंट से गुजरी और यहां पे ले जाए, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा से नहीं पास की है, एक ही रेखा पे नहीं है, एक ही रेखा पे नहीं शो हो रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, जबकि यानी तीन पॉइंट या चार पॉइंट या पांच पॉइंट वो कोलिनियर पॉइंट हो भी सकता है और कोलिनियर पॉइंट नहीं भी हो सकता है। तो आई होप डेट ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब जानेंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। यहां पे देखिएगा एक वेक्टर यहां पे ले लिए ए वेक्टर और एक वेक्टर यहां पे ले लिए बी वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यार, मैंने अभी आपको बताया कि जो वेक्टर होता है लाइन पे टिका हुआ रहता है। तो यहां पे देखिए एक क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया।
और ए भी क्या हो गया जी, लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया। और यहां पे भी देखिए एक वेक्टर इधर ए ले लेते हैं और इसके एक अपोजिट ले लेते हैं बी वेक्टर, और यहां पे भी देखिए ए वाला लाइन ऑफ सपोर्ट है, ए भी क्या है लाइन ऑफ सपोर्ट है। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट समानांतर हो तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा। कहीं सर माशाल्लाह दिमाग में आ गया। एक बार और, हमारे पास दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो पैरेलल हो, तो दोस्तों हम दोनों वेक्टर को बोल सकते हैं कि ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। और यहां पे देखिए तो यार आप इसको, इस वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में क्या होता है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, परिमाण समान या समान हो सकता है। अगर परिमाण समान हो गया, डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो यार कोलिनियर वेक्टर को बताना बहुत सहज है, जैसे भोजन करना आसान है ना, उसे आसान कोलिनियर वेक्टर को समझना है। कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया रहे तो यार दोनों वेक्टर पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट, या हम यूं बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर होता है इसी लाइन पे टिका हुआ होता है, ये जो वेक्टर है इसी लाइन पे टिका हुआ है। तो अगर दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट एक दूसरे के समानांतर है तो दोस्तों दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। क्या यहां पे दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट समानांतर है। तो दोस्तों यहां पर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है जी, यानी कोलिनियर वेक्टर है। और मजे की बात ये ले लो कि यार यहां पे इसको हम बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर भी, एंटी पैरेलल वेक्टर भी। और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों का परिमाण बराबर हो तो वहां पे हम ए भी बोल देंगे कि अपोजिट वेक्टर है। आई होप डेट बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं यार, यहां पे हमारे पास आई कैप है, अगर हमें टू आई कैप को दिखाना हो ना तो इसके मैग्नीट्यूड को हम डबल कर देंगे तो टू आई हो जाएगा। यहां पे बात समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखिए दोनों वेक्टर क्या कोलिनियर है? बिल्कुल, क्योंकि इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे यानी लाइन ऑफ सपोर्ट दिखाएंगे तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो यार हम बोल सकते हैं दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। तो यार कोलिनियर वेक्टर का शर्त यह होगा कि जो बी वेक्टर होगा, जो दूसरा वेक्टर होगा, वो पहले वेक्टर का कितना गुना होगा? लैम्डा टाइम होगा। कितना गुना होगा? लैम्डा टाइम। यानी कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का कितना गुना होना चाहिए? लैम्डा टाइम, और एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तब दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एक कौन सा वेक्टर होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा। तो यार कोलिनियर वेक्टर को समझना कोई भारी बात नहीं थी। कोलिनियर वेक्टर हम उसको बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट समानांतर होनी चाहिए। अब एक और आपसे प्रश्न करते हैं, इधर ले लिए ए वेक्टर और इधर ले लिए बी वेक्टर, यार बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वेक्टर का लाइन सपोर्ट यहां पे आप देख रहे हो, इस वेक्टर का लाइन सपोर्ट यहां पे आप देख रहे हो, यार दोनों यानी लाइन ऑफ सपोर्ट एक दूसरे के समानांतर है क्या? नहीं ना है। तो दोस्तों ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पे कोलिनियर वेक्टर नहीं होगा। आई होप डेट दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा।